देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। 6-7 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने चुनाव लड़ा। पहला मुद्दा था 10 साल की हुड्डा सरकार का कार्यकाल बनाम 6 साल बीजेपी की, 6 साल भाजपा की सरकार का कार्यकाल। जो खट्टर सरकार 6 साल से है, जिसमें बीजेपी सरकार पार्ट वन और बीजेपी और जेजेपी सरकार पार्ट टू, अब तो 6.5 साल हो गए इसको। और लोगों के बीच में हमने कहा कि तराजू पे लेकर आप तुलना कीजिए, हरियाणा विकास के मामले में, हर दृष्टि में, हर दृष्टि खुशहाली के मामले में, किसान नौजवान के रोजगार के मामले में कौन सा कार्यकाल बेहतर था। और लोगों ने इस समय ये फैसला सुनाया जो आपके बीच में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार के 10 साल बनाम बीजेपी सरकार के 6 साल के आधार पर हमने बड़ौदा का चुनाव लड़ा। बीजेपी सरकार में हरियाणा पर कर्ज बढ़कर 60,000 करोड़ से 2,30,000 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 10 साल के कार्यकाल के बाद 2014 में जब भाजपा के को सत्ता में बिठाया गया लोगों द्वारा प्रदेश में, उस समय हरियाणा पे 60,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर 2,30,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया, पहुंच गया। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कोई विकास कार्य, कोई लंबा चौड़ा पूरे प्रदेश में, ना इस इलाके में ना पूरे प्रदेश में तो हुआ नहीं, मगर कर्जे कर्जे में हरियाणा 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा। इसके साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार में हरियाणा GSDP प्रति व्यक्ति आय और विकास के पैमानों में पहले नंबर पर था। मौजूदा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, महिला अपराध, भ्रष्टाचार में नंबर एक बना दिया। जो हरियाणा हुड्डा सरकार में विकास में नंबर एक था, वो बीजेपी सरकार में विनाश में नंबर एक बना दिया। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अब इंदुराज नरवाल का नाम अच्छे से जान जाएंगे। हरियाणा पे कर्जा चढ़ गया और जो प्रदेश विकास के मामले में 2014 तक देश में सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक था, विकास दर में, GSDP ग्रोथ रेट में देश में नंबर एक पे आया प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में नंबर एक पे आया, प्रति व्यक्ति निवेश में, इन्वेस्टमेंट रेट में देश में नंबर एक पे आया जो प्रदेश, वो प्रदेश उस पटरी से, विकास की पटरी से उस प्रदेश की गाड़ी उतार दी सरकार ने 6 साल में। और वही प्रदेश आज बेरोजगारी में देश में नंबर एक है, बेरोजगारी में नंबर एक, अपराध दर में नंबर एक, महिलाओं के ऊपर अपराध दर में नंबर एक। आपने फरीदाबाद में देखा, बाकी जगह देखा किस तरीके से दंदनाते हुए अपराधी गोलियां चलाते हुए घूम रहे हैं, जंगल राज उन पे बेखौफ, कोई कानून व्यवस्था, कोई कानून प्रशासन का उन पे कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकारी नियम है कि जिस इमारत में दरार आ जाती है उसे असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। जेजेपी को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री के वोट ट्रांसफर ना होने वाले बयान पर उसका क्या स्टैंड है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी को जेजेपी के वोट नहीं मिले। बीजेपी उम्मीदवार ने भी उपचुनाव के आखिरी दौर में CM की फोटो अपने बैनर से हटा दी थी, यानी खुद उम्मीदवार को CM और सरकार पर भरोसा नहीं था। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की जनता ने सरकार के खिलाफ राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल किया है। बड़ौदा में कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़े और बीजेपी जेजेपी के 20,000 वोट कम हुए। इस नतीजे को पूरे हरियाणा में लागू करें तो गठबंधन सरकार के पास 19-20 सीटें रह जाएंगी। बड़ौदा में जनता ने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार में गन्ने का रेट 117 रुपए से बढ़ाकर 310 रुपए किया, ये देश में सबसे ज्यादा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 6 साल में सिर्फ 30-40 रुपए की बढ़ोतरी की। साथ ही बड़ौदा चुनाव को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस को 36 बिरादरी का साथ है और समर्थन मिला है, क्योंकि हुड्डा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार की आवास योजना और अन्य योजनाओं को बीजेपी सरकार ने बंद किया।
बड़ौदा में हम बीजेपी जेजेपी गठबंधन के अनैतिक गठबंधन के मुद्दे को भी लेकर गए। लोगों ने हमारे मुद्दे पर मोहर लगाने का काम किया, जबकि सरकार ने चुनाव में हर अनैतिक हथकंडा अपनाया, लेकिन जनता ने उसको सबक सिखाने का काम किया। बड़ौदा में वोटिंग की गिनती शुरू होते ही इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और नतीजे के साथ ही गठबंधन की इमारत में विश्वास की दरार आ गई। बड़ौदा के जनादेश को लेकर हम पूरे हरियाणा में जाएंगे और आगामी संघर्ष का ऐलान 13 दिसंबर को गोहाना में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। आखिर में हुड्डा ने कहा कि हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इस जनविरोधी अनैतिक गठबंधन सरकार का पूरी तरह पतन नहीं हो जाता। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।